नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण गोस्वामी। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे, इस बात का दावा उन्होंने करते हुए कहा कि हम कोई समस्या दूर नहीं करते। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है और उसी के तहत मैं धर्म का प्रचार करता हूँ। इसके बाद कथावाचक ने गुस्साते हुए कहा, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। अगर हनुमान भक्ति करना गुनाह है तो देश में सभी हनुमान भक्तों पर FIR होना चाहिए। जो फिर सोच लो, ये लोग तुम्हारा चेहरा कैसे लाल करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे आरोप लगते रहते हैं और वो संत होकर अभद्र भाषा बोलते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि वो संत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा डिस्क्लेमर है कि कोई संत नहीं। मालूम हो कि धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छत्तरपुर में बागेश्वर धाम में कथा वाचन करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनका गहरा प्रभाव डालते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।